Good morning everybody. This is advanced computer architecture revision going on cache coherence problem. Cache coherence problem क्या है कि जब multiple cache आपके processor में होते हैं, multiple processor जो हैं common memory share कर रहे हैं multiple caches के बीच में, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है जब एक कॉमन मेमोरी शेयर हो रही है मल्टीपल प्रोसेसर के बिटवीन, तो जो पैरामीटर आपके मेन मेमोरी में है या लोकल कैशे में है, वो अगर पैरामीटर सेम है तो वहाँ पर डेटा क्या है आपका कंसिस्ट है. अगर शेयर मेमोरी और आपकी लोकल कैशे मेमोरी में डेटा जो है चेंजेस है, तो वहाँ पर कैशे कोहेरेंस प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे मैंने आपको बताया कि कैशे कोहेरेंस इज़ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ शेयर रिसोर्स डेटा दैट एंड्स अप स्टोर इन मल्टीपल लोकल कैशेस. व्हेन क्लाइंट इन अ सिस्टम मेंटेन कैशेस ऑफ अ कॉमन मेमोरी रिसोर्स, यहाँ पर क्या है, एक कॉमन मेमोरी जो बस के लोकल बस के थ्रू अटैच है प्रोसेसर और मेमोरी के बीच, मेमोरी का लोकल कैशे और प्रोसेसर के बीच में, तो प्रॉब्लम में अराइज विद इनकरेंट डेटा विच इज़ पार्टिकुलरली द केस विद सीपीयूज इन अ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम. मल्टीपल प्राइवेट कैशे इज अ मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट इंट्रोड्यूस द कैशे कोहेरेंस प्रॉब्लम. अब जैसे सेंटेंस में मेंशन है कि प्रोसेसर की ओन मेमोरी जिसको हम कैशे बोलेंगे, और ये जो कनेक्टेड है शेयर्ड मेमोरी से वो थ्रू द बस कनेक्टेड है. अब देखिए, जब डेटा कैशे और शेयर्ड मेमोरी में सेम है, जैसे हमें फिगर में यहाँ शो हो रहा है कि कैशे में डेटा है एक्स और शेयर्ड मेमोरी में है डेटा एक्स, तो यहाँ पर क्या है, डेटा आपका कंसिस्ट है, एक जैसा डेटा हमें दिख रहा है, ठीक है. लेकिन अगर P1 प्रोसेसर ने किसी तरह का कोई अपडेट किया, या उसने हमने अलाउ किया कि प्रोसेसर P1 जो है अपने कैशे में चेंजेस कर रहा है, और वो उसका रिफ्लेक्शन अगर शेयर्ड मेमोरी में होता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डेटा आपका चेंज हो गया. अब देखिए, हम देख सकते हैं कि P1 जो कैशे है आपका, वहाँ पर डेटा है X, और P1 में डेटा है X1 एंड P2 में डेटा है X, ठीक है. और क्योंकि P1 ने रिफ्लेक्ट किया है, P1 ने चेंजेस किया है डेटा में, तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ दिख रहा है आपका, शेयर्ड मेमोरी में. यहाँ पर डेटा क्या हो गया आपका, डेटा आपका इनकंसिस्ट हो गया है ना. तो मतलब इसका हम मतलब क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम अराइज हुई वो है आपकी कैशे कोहेरेंस प्रॉब्लम. तो हेयर सिंस मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डेटा कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट कैशे साइमल्टेनियसली एंड इफ प्रोसेसर अलाउड टू अपडेट देयर ओन कॉपीज फ्रीली एंड इनकंसिस्टेंट व्यू ऑफ मेमोरी कैन रिजल्ट, ठीक है. अब तो इसमें आपके जो मेथड है कैशे कोहेरेंस में क्यों होता है कैशे कोहेरेंस, ठीक है. कैशे कोहेरेंस होने की थ्री केसेस हैं जिनके थ्रू कैशे कोहेरेंस प्रॉब्लम होती है. फर्स्ट है इनकंसिस्टेंसी ड्यू टू डेटा शेयरिंग. सेकेंड केस इज इनकंसिस्टेंसी ड्यू टू प्रोसेस माइग्रेशन. एंड थर्ड इज इनकंसिस्टेंसी ड्यू टू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. फर्स्ट मेथड, जिसे मैंने अभी आपको बताया कि डेटा जो इनकंसिस्टेंसी होती है डेटा में, उसके होने के थ्री केस हैं. फर्स्ट है डेटा शेयरिंग, प्रोसेस माइग्रेशन, एंड थर्ड इज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. जब हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड की, फर्स्ट केस की, कि जिसके कारण हमारे जो प्रोसेसर और शेयर्ड मेमोरी के बीच में डेटा की इनकंसिस्टेंसी हो रही है, उस केस का नाम है
डेटा शेयरिंग। तो डेटा शेयरिंग की टू पॉलिसी हैं जिन पर डेटा शेयरिंग वर्क करता है, जिसके कारण डेटा की इनकंसिस्टेंसी अगर होती है। फर्स्ट इज राइट थ्रो पॉलिसी, सेकेंड इज